दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच चालू हो चुका है। कल पहला दिन था, पाकिस्तान टीम ने काफी अच्छे बल्लेबाजी की। टोटल 86 ओवर का गेम हुआ जिसमें कि पाकिस्तान की टीम 328 रन का स्कोर कर पाई 4 विकेट के नुकसान पे। अब्दुल्ला सफीक ने सेंचुरी मारा और 102 रन बना के वो आउट हुए। वहीं कप्तान शान मसूद ने भी काफी अच्छी पारी खेली और 151 रन का स्कोर खड़ा किया। पहले सेशन में लगभग 5 के आसपास का रन रेट था, दूसरे सेशन में लगभग 4 के आसपास का रन रेट था, लेकिन तीसरे सेशन में 3 से भी कम का रन रेट था जिस कारण से मात्र 328 रन ही खड़ा कर पाई। वरना कहीं न कहीं अगर रन रेट को बेटर किए होते तो 450 रन का भी स्कोर खड़ा कर देती, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए काफी अच्छी न्यूज होती। लेकिन सबसे बुरी न्यूज पाकिस्तान टीम के लिए यह है बाबर आजम का न चलना। कप्तानी का बोझ उनके ऊपर है नहीं, T20 मुकाबलों से भी कप्तानी ले ली गई है, ODI मुकाबलों से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टेस्ट मुकाबलों से तो पहले ही बाहर कर दिया था कप्तानी से। पहले दिन के टेस्ट मुकाबले में जहां की बस कुछ ही बॉल बची थी और बाबर आजम को चाहिए था कि वो ग्राउंड में बने रहें ताकि अगले दिन का यानी कि आज का मैच जो होने वाला है उसमें ये काफी अच्छा प्रदर्शन करें और कम से कम सेंचुरी लगा के अपनी जगह को पक्की करें। लेकिन ऐसा हो न सका, 9 बॉल्स पहले ही ये आउट हो गए। आउट होने के साथ ही साथ बाबर आजम की जगह बनती है टीम में या नहीं बनती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि पिछले 17 पारियां बाबर आजम की ऐसी रही हैं जिसमें कि वो 50 रन का भी स्कोर नहीं बना पाए हैं। अगर इस तरह का परफॉर्मेंस बाबर आजम जैसा बैट्समैन करेगा तो ये काफी चिंता वाली बात है पाकिस्तान टीम के लिए। बहरहाल पहले दिन का मुकाबला खेला जा चुका था, आज 328 रन से आगे का स्कोर बनाने के लिए पाकिस्तान की टीम उतरेगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं और इन सब मुकाबलों को देखना है आपको टीवी पे, तो टीवी पे इंडिया में इसका लाइव ब्रॉडकास्ट कोई भी नहीं कर रहा है क्योंकि किसी के पास राइट्स नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट के थ्रू यानी कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर किसी भी अन्य डिवाइस पे देखना है आपको, तो आप फैन कोड नाम के ऐप पे देख पाएंगे। फैन कोड नाम के ऐप पे आप मेंबरशिप लेने के बाद इस मैच को देख पाएंगे। बाकी जुगाड़ पाने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको आगे का रास्ता जरूर बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और इन मुकाबलों को देखना चाहते हैं आप, तो टीवी पे आप 3 जगह देख पाएंगे। पहला हो गया A Sport, दूसरा हो गया PTV Sports, तीसरा हो गया 10 Sports। इन 3 जगहों पे इसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर इंटरनेट के थ्रू देखना चाहते हैं आप पाकिस्तान के अंदर, तो आप तमाशा ऐप पे देख सकते हैं। तमाशा ऐप पे भी इसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। तो बाकी अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको मैच देखने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करने के बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा।